जितेंद्र जो है मशीन में बैठ चुके हैं, और देखिए यहाँ पे अभी ये पाइपलाइन निकाल रहे हैं। तो ये कि आधा ही ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो मुझे लगा कि इनका वीडियो बनाना चाहिए कि ये बेहतर काम कर रहे हैं अभी। सिर्फ इनका जो है आज लगभग 8 दिन हुआ है, और 8 दिनों में देखिए कितने अच्छे से मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। और पीछे जो है यहाँ पे जेसीबी की भी ट्रेनिंग हो रही है, और सामने यहाँ एक्सकेवेटर का ट्रेनिंग हो रहा है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी एक्सकेवेटर और जेसीबी सीखना चाहते हैं तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आकर के सीख सकते हैं। अभी आप देखिए किस तरीके से मशीन ऑपरेट कर रहे हैं जितेंद्र। देखिए इन्होंने 1 साल हेल्परी किया फ्रेंड, और 1 साल में इनको कुछ भी समझ में नहीं आया है, जो यहाँ पर ये 8 दिन में सिर्फ समझ चुके हैं। बाकी इनके पास अभी काफ़ी टाइम है मशीन सीखने के लिए। तो अगर आप लोगों में से कोई भी आना चाहते हैं तो आकर के हमारे पास सीखिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा यहाँ पर ग्राउंड है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे सीखने में। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कॉल करें, जानकारी ले कि कहाँ आना है, कैसे आना, आपको पूरे डिटेल में जानकारी दिया जाएगा। तो बस अगर आप लोग कोई भी हेल्परी कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो हेल्परी कर रहे तो सही है, हेल्परी करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है ना। अगर आप लोग जल्दी सीखना चाहते हैं तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आकर के सीख सकते हैं। 25,000 रुपये ट्रेनिंग की फीस होती है, और पूरा सिखाने का गारंटी होता है। जैसे 1 महीने का टारगेट रहता है, 1 महीने का अंदर पूरा सिखा के हम भेजेंगे, और अगर आप 1 महीने नहीं सीख पाते हैं तो आपको आगे भी टाइम दिया जाता है। तो अभी हम चलिए देखते हैं उनसे कि ये किस तरीके से मशीन चला रहे हैं 8 दिनों में से। अरे बाकी हमारे आप कहाँ रहने वाले हैं? ये सिवान के रहने वाले हैं, और ये भी आए हैं एक्सकेवेटर मशीन सीखने के लिए। और आप कहाँ रहने वाले हैं? ये नेपाल के रहने वाले हैं, और ये भी एक्सकेवेटर मशीन सीखने के लिए आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बस मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।